धर्मशाला विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। धर्मशाला विधानसभा भवन के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगे हैं। धर्मशाला भवन विधानसभा भवन से बड़ी खबर इस समय, धर्मशाला विधानसभा भवन के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगे और इस दौरान आपको बता दें कि पंजाबी भाषा में खालिस्तान भी लिखा गया। विधानसभा भवन गेट पर खालिस्तानी झंडे लगने से सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे विधानसभा भवन गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए। धर्मशाला विधानसभा परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने खालिस्तान के झंडे देखे। पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है, लेकिन इस मामले के बाद से ही बड़े सवाल भी हैं जो उठ रहे हैं कि आखिर कैसे लोग यहां पर पहुंचकर खालिस्तान ऐसे दीवार पर लिख गए या फिर झंडे लगाए गए हैं। क्यों समय से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये बड़ी खबर है इस समय। और धर्मशाला विधानसभा भवन के गेट पर आप देख रहे हैं किस तरह से खालिस्तान के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं और दीवार पर भी यहाँ झंडे लगाए गए हैं। और साथ ही आप देखिए पंजाबी भाषा में खालिस्तान दीवार पर लिखा गया है। अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, खालिस्तान के झंडे लगाने की धमकियां तो पहले भी दी गई थी गुरपतवंत की ओर से, लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि धर्मशाला में विधानसभा भवन के गेट पर लगा दिए गए हैं झंडे और लिख दिया गया है पंजाबी में खालिस्तानी से लेकर, अभी तक क्या क्या कुछ हलचल है जो देखने को मिल रही है? देखिए अवंतिका, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश के भीतर सवाल बनते रहे हैं, और खासतौर पर जिस तरीके की धमकियां मिलती रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हों, मेरे के जरिए एक शराबों की कोशिश लगातार बनी रही है। लेकिन आज सुबह मॉर्निंग में जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो धर्मशाला के तपोवन का ये मामला है जहां पर खालिस्तान के झंडे और वहां खालिस्तान लिखा हुआ जो है वो जरूर दिखाई दिया। पुलिस झंडों को भी हटा चुकी है और वो जो लिखा है उनको भी मिटा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अवंतिका देखिए ये संवैधानिक परिसर है और इस संवैधानिक परिसर के अंदर अगर इस तरह की कोशिश कोई होती है देश के खिलाफ या इस तरह के खालिस्तानी विरोधी झंडे लग जाना है, ये एक बड़ा सवाल बन सकता है। तो इसको लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है और तहकीकात में कुछ बातें उनके सामने आई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा विधानसभा परिसर के बाहर अभी तक नहीं लगा है। ऐसे में जो सात लगते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। वहां पर कुछ उनको क्लूज मिले हैं, कुछ मोटरसाइकिल कुछ गाड़ियों पे जाने का मिला है, पुलिस उनको जरूर खंगालेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि संवैधानिक परिसर के भीतर ये जिस तरीके से पोस्टर लगे हैं उसको लेकर पुलिस की परेशानियां जरूर बढ़ सकती है। लेकिन खबरें अभी तक कंडेम करता है इस तरह के किसी भी प्रयास को, और शरारती तत्वों को अगर वो पकड़ में आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी मनोज धीमान भी इसी बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ चल रहा है इस समय धर्मशाला में? बिल्कुल अवंतिका, देखिए धर्मशाला में इस वक्त जो है वो हड़कंप मचा हुआ है और जो खालिस्तान के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं वो एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक संवैधानिक परिसर के अंदर जो है वो किस तरह चार्थी तत्व घुस करके वहाँ खालिस्तान के झंडे लगा दिए उन्होंने और वहाँ पर हरे रंग से खालिस्तान भी लिख दिया। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक सवाल भी खड़ा होता है कि विधानसभा परिसर में वो कैसे घुसे और बाहर किस तरह से उन्होंने लगा दिए। बड़ी बात यह है कि विधानसभा परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिसके चलते जो है वो पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, हमको किस तरह से पकड़ना है, कौन है वो शरारती तत्व। मनोज, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई कब ये किस समय आकर लोगों ने झंडे लगाए या ये खालिस्तान लिखा दीवार पर, कौन लोग थे, किसी ने उन्हें देखा, कोई ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने आई हो? अवंतिका देखिए, जिस तरह देर रात को ये काले झंडे लगाए गए थे और सुबह जब 4:30 और 5 के बीच में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, जो तपोवन के स्थानीय लोग हैं वो वहां पर मॉर्निंग वॉक करने निकले, तो उन्होंने सबसे पहले जो है ये खालिस्तानी झंडे देखे और तुरंत उन्होंने जो है वो मीडिया को इसकी बात दी। मीडिया के बाद पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी है। उसके बाद से जो है वो दीवारों से जो खालिस्तान लिखा था उसको मिटा दिया गया है और झंडे जो हमको उतार दिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगाया गया है कि कहां से ये झंडे आए और कौन व्यक्ति जो है वो इन झंडों को यहां पर लगाने में सफल रहा और लगाकर के चला गया है। हालांकि कुछ दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें
कुछ फुटेज जो है वो देखे जाएंगे, वो विधानसभा परिसर का कैमरा नहीं है बल्कि किसी अन्य प्राइवेट पर्सन का जो है वो कैमरा है, उसमें से हो सकता है कि पुलिस को कोई सुराग मिल जाए, उसके तहत जो है वो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल एसडीएम ने मौका पर पहुंच करके जानकारी हासिल की है और साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन पूरी जांच में जुट गया है। ठीक है, हम ये दो तस्वीरें हैं यहाँ दर्शकों को जो दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए जब खालिस्तान के झंडे यहाँ पर लगाए गए, देखिए ये जो भवन है इसके गेट पर लगे हैं झंडे, दीवारों पर लगे हैं और साथ ही खालिस्तान या पेंट से खालिस्तान दीवार पर लिख दिया गया है। तो वही दूसरी तस्वीर, अब झंडों को हटा दिया गया और उसके बाद पेंट भी कर दिया गया है, यानी कि बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जो है बने हुए थे, लेकिन इसी बीच अब मनोज देखिए बड़ा सवाल यह भी है कि यहां पर सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा भवन के ऊपर ये जो है झंडे लगाकर गए हैं या पेंट से खालिस्तान लिखे गए हैं, ये तो बड़ा सुरक्षा का मामला भी हो जाता है, क्योंकि अगर गेट के बाहर इतना कुछ तसल्ली से करके जाते हैं ये लोग आकर तो भवन के अंदर भी घुस सकते हैं या कुछ भी हो सकता था यहाँ पर। बिल्कुल अवंतिका, बिल्कुल सही बात है कि विधानसभा परिसर एक संवैधानिक परिसर है और इसके अंदर घुसना भी एक बड़ी बात है, जबकि धर्मशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और बड़ी बात तो यह है कि विधानसभा परिसर में जब इस तरह की वारदात हुई है या कोई घटना घटती है, वहाँ के चौकीदार कहाँ हैं? और इतना बड़ा विधानसभा परिसर है, वहाँ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरा होना बहुत जरूरी है। हालांकि धर्मशाला में पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, लेकिन उसके बावजूद लोग अंदर घुसते हैं और विधानसभा परिसर की बाहर की दीवार पर जो है वो झंडे जो है खालिस्तान से वो लगा देते हैं। ऐसे में सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि वहां पर सुरक्षा किस तरह है, कहां उसके सुरक्षा कर्मी गए थे, और अब जांच की बात की जाती है। हर जब भी कोई मामला हो जाता है तो जांच की बात की जाती है, लेकिन ये जांच क्या सफल हो पाएगी जी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ही जो है वो उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है कि आखिर किन लोगों ने जो है वो यहाँ पर झंडे लगाए हैं। बिल्कुल, जांच किस तरह से होती है ये तो देखना होगा, लेकिन मनोज फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है या प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए वंतिका, जहां एक तरफ ये खालिस्तान के झंडे लगने से हड़कंप मचा है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन जो है वो अभी जांच में जुट गया है। कुछ देर के बाद जो है वो ब्रीफिंग हो सकती है, पुलिस और प्रशासन दोनों इकट्ठा जो है ब्रीफिंग कर सकते हैं, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर जांच में क्या निकला है और पुलिस किस तरह की जांच जो है वो इस मामले में करती है। वंतिका बहुत शुक्रिया मनोज दीवान तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय देखिए जांच की बात जाहिर तौर पर कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कैसे यहाँ पर लोग आए और झंडे लगा कर गए हैं और पेंट से बाकायदा दीवार पर खालिस्तान लिख कर गए हैं, बड़े सवाल इसके बाद उठ रहे हैं। माध्यम से हमें लगा पता कि यहाँ पे झंडे और ये वॉल राइटिंग करी गई है, और जो वॉल राइटिंग है वो किसी एरे गैरे द्वारा नहीं की गई, कोई प्रोफेशनल बंदा जिसने वॉल राइटिंग करी है इसकी, और ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। और मैं तो बोलता हूँ कि इनको पकड़ कर जो चमड़ी का जो है इनका चमड़ी का बैनर बना के उस पर भारत माता की जय लिखवाना चाहिए, तब इनको पता चले कि भारत जो है हिमाचल जो एक बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ पर जो है ये भड़काऊ जो लोगों और नारे जो है वो यहाँ पर नहीं चलेंगे और यहाँ पर जो है शांति जो है वो बनाए रखेंगे हम, और ये जो शांति भंग करने का कार्य कर रहे हैं इनको मेरी प्रदेश सरकार से और पुलिस प्रशासन से।